हेलो वेलकम जी। हाँ तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है। बाउल में आपको 3 कटोरी चावल लेने हैं। कटोरी का साइज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। और 3 कटोरी चावल लेने के बाद आपको अब 1 कटोरी उड़द धुली हुई दाल लेनी है। कौन सी दाल? उड़द धुली हुई दाल 1 कटोरी, चावल 3 कटोरी और 1/2 कटोरी चने की दाल, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो रेशो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद आपको तीनों को मिक्स कर देना है एक बड़े पतीले में और 4 घंटे के लिए पानी डाल देना है उसमें और भीगने के लिए इन तीनों को रख देना है, ठीक है। 4 घंटे तक इसको नहीं छेड़ना है। 4 घंटे बाद साफ़ पानी से इसको दोबारा धो के सारा पानी फेंक देना है और ये जो हमारा भीगा हुआ मिक्सचर हमें मिला है इसको आपको मिक्सी में पीस लेना है। पीसने के लिए आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें पेस्ट बनाना है तो हर बार आपको पहले 1/2 कटोरी पानी डालना है। अगर छोटी कटोरी है तो आप 1 कटोरी भी डाल सकते हैं, नहीं तो बड़ी 1/2 कटोरी पानी डाल के आपको मिक्सी में अपना मिक्सचर डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इतना करना है कि आपका एक पेस्ट फॉर्म हो जाए, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको पानी डालना है और जो मिक्सचर आपका ऑलरेडी भीगा हुआ था वो डाल देना है। और इसके बाद अब आपको इसको मिक्सी में एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आपका कुछ इस तरह से बनेगा, जिसको हम डोसे का बैटर बोलते हैं। आप इसी सेम बैटर से इडली भी बना सकते हैं और डोसा तो बन ही रहा है ना। तो अब क्या है, इसमें 1/2 चम्मच नमक मिलाना है और इसको बैटर को हिला के फिर से 3 से 4 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए साइड में रख देना है, ठीक है। अब आपको एक पैन लेना है और एक पैन में 1 प्याज, 1 टमाटर और थोड़ी सी जो काली सरसों होती है ना वो डालना है और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ठीक है। ये जब तीनों आपके फ्राई हो रहे हों तो अब आपको इसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। पहले 1/2 चम्मच आपको हल्दी डालनी है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, वो आपके टेस्ट के अनुसार है, क्योंकि ऑलरेडी आप 1/2 चम्मच जो है वो बैटर में डाल चुके हो नमक, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा गरम मसाला। अब क्या करना है, आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाना है और अगर कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी मिला सकते हैं। उसके बाद आपको, हमने अब बॉयल्ड आलू ऑलरेडी बॉयल करके रखे हुए हैं, इसको आपको अच्छे से मैश कर लेना है अपने हाथों से या फिर जैसे भी आप करना चाहो। मैश करने के बाद जो आपके प्याज और टमाटर ऑलरेडी फ्राई हो रहे हैं इसमें आपको आलूओं को मिला देना है। जब आपके आलू अच्छी तरह से मिल जाएं और ये इस तरह से आपके आलू तैयार हो जाएं तो आपको साइड में प्लेट में या बाउल में निकाल के इसको रख लेना है। अब डोसा बनाते हैं। एक प्याज लेना, प्याज को ऊपर से एक साइड से काट देना और अच्छी तरह से जो हमारा तवा है उस पर इस प्याज को इस तरह से रोल करना, फिर थोड़ा सा पानी लेना और हाथ से छींटा मारना और फिर से प्याज को इस तरह से रोल करना। अब जो बैटर बनाया हुआ है एक छोटी कटोरी गोल बैटर से भरना और इस तरह से गोल 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 रोल करते हुए आप डोसा बना देना। अब साइडों में हम तेल डालेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब ये डोसा बन रहा होगा ना और आपने साइडों में तेल डाला है तो जब वो पकना शुरू हो जाएगा तो अपने आप वो कोना छोड़ता जाएगा और आपको इसको पलटने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। जब ये अपने आप कोने छोड़ने लगे तो आप इसको पलट देना बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको डोसे के एक साइड में जो आपने आलू साइड में तैयार कर रखे हैं इसमें करछी से चम्मच से जैसे भी आप चाहो इसमें आलू स्प्रेड कर देना जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। उसके बाद डोसे को फोल्ड कर देना है और सांबर, नारियल की चटनी या जिसके भी साथ आपको खाना है, मसाला डोसा आपका रेडी है। और अब आप इसको खाओ, एंजॉय करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। और मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर बार जो मैं वीडियो डालूँ वो आपको अच्छी तरह से मिल जाए।
अब आप इंजॉय करो, बाय।